प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी की राह देख रही है, लेकिन इस बीच दलित सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। महज 2 महीने में 5 दलित सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के बीच दलित सांसदों की नाराजगी झेल रही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उदित राज दिल्ली के अकेले बीजेपी सांसद हैं जिन्हें पार्टी ने दोबारा टिकट नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी करार दिया। 5 साल से भर्तियां बंद करके शेड्यूल कास्ट को खत्म कर दिया इस देश से। और यह नहीं कि मैं चुप रहा हूं, मैं संसद में भी उठाया हूं, कई बार उठाया हूं कि SC ST का पूरा रिक्रूटमेंट बंद हो गया। ये मैं 10 बार उठाया हूं, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लिया है। किसी भी एक मुद्दे के ऊपर मंत्रालय में भी मैंने चिट्ठियां लिखी, सब पर चिट्ठियां लिखी है। तो इसको पसंद नहीं आया। बीजेपी को दलित वोट तो चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए, जो बोलने वाला होना चाहिए। इनको गूंगा और बहरा चाहिए। उदित राज 5वें दलित सांसद हैं जिन्होंने 2 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 2 मार्च को बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले कांग्रेस में शामिल हो गईं। 27 मार्च को हरदोई से बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। 29 मार्च को इटावा से बीजेपी सांसद अशोक कुमार दोहरे कांग्रेस में शामिल हो गए और 29 अप्रैल को मछली शहर से बीजेपी सांसद रामचरित्र निषाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इनके अलावा कई और दलित सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन दलितों के मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर विरोध जरूर दर्ज करवाया। इस्तीफा देने वाले सभी दलित सांसदों ने साफ किया है कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है और उसकी सरकार में दलितों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।